दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको टाटा मोटर्स की हैरियर फेसलिफ्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे। टाटा मोटर्स ने हैरियर की फेसलिफ्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इसका कोड नेम रखा गया है Q5MCE। ये कार MC हेक्टर, महिंद्रा XUV 700, जीप कॉम्पस जैसे SUVs और मध्यम आकार की SUVs जैसे स्कोडा कुशाक, फोक्सवैगन टाइगुन, किया सेल्टोस और ह्यूंडई क्रेटा के टॉप एंड वेरिएंट के खिलाफ कम्पीट करेगी। डिजाइन की बात करें तो नई हैरियर फेसलिफ्ट में हमें हेडलैम्प्स की एक नई सेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये एक स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन के साथ आना जारी रख सकता है। ग्रिल के साथ बम्पर को भी नया रूप दिया जाएगा और इसकी एलॉय व्हील्स को भी नया सेट दिया जाएगा, जो कि डायमंड कट यूनिट होने की उम्मीद है। अंदर की तरफ यानी कि इंटीरियर में अपहोल्स्ट्री और इस्तेमाल की गई सामग्री की अपडेट हो सकती है। ऐसा रिपोर्ट है कि टाटा मोटर्स अपनी वाहनों के लिए एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम डेवलप कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक टाटा की वाहनों में जेस्चर कंट्रोल और स्क्रीन आकार की कमी है, जो दिक्कत का सामना कर रही है। इसके साथ ही और फीचर्स की बात करें तो इसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा के साथ जोड़ने की उम्मीद है, जो ड्राइवर को SUV को आसानी से पार्क करने में मदद करेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है इसमें ADAS यानी कि ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम इसमें जोड़ा जा सकता है। अगर इंजन की बात करें तो टाटा मोटर्स 2 लीटर काइडोटेक डीजल इंजन की पेशकश जारी रखेगी, जो फिएट से लिया गया है। ये 170 PS और 350 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क पैदा करता है। निर्माता 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन पर भी काम कर रहा है। ये 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का 4 सिलेंडर संस्करण है, जिसे हमने नेक्सॉन और एल्ट्रोस आई टर्बो पर देखा है। तो आपको ये हैरियर फेसलिफ्ट कैसे लगी आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।